हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ शंकर जी और पार्वती के। तो देखिए शंकर जी क्या रचना रचते हैं अपने शिष्य के साथ। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पे पार्वती और महादेव दोनों घूम रहे थे और घूमते घूमते चारों तरफ देख रहे थे। देखते देखते पार्वती कहते हैं, महाराज चारों दिशा में आपका ही नाम चलता है, आपका नाम लोग लेते हैं, कितना अच्छा लगता है, चारों तरफ चर्चा होता है। महादेव जी कहने लगे, हे देवी ऐसा ना कहें, क्या आपको लग रहा है कि सब मेरा नाम जो ले रहे हैं वो मन से ही ले रहे हैं? ऐसा बात नहीं है। पार्वती कहते हैं, नहीं महाराज आप झूठा बोलते हैं, ऐसा ही बात है, आपको तो याद सारा जग में करते हैं, नमन सारा जग में करते हैं। महादेव कहने लगे, तो हे देवी आप इसी पर्वत से देखिए, हम आपको जांचना लेकर अपने दिखाते हैं भक्त लोग से। महादेव नीचे आ गए, एक बूढ़े झुलझुल साधु का रूप धर लिए और साधु का रूप धर के और 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम दूध लेकर और गांव में घूमने लगे और कहने लगे कि भाई मेरा कोई 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चावल का खीर कोई बना दे, यदि कोई खीर बना देगा अपना बर्तन में तो हम भगवान को भोग लगाएंगे, मेरा भगवान भूखे हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, सारा गांव में भगवान महादेव मायावी साधु के रूप में धर के और घूम गए, कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। वहाँ एक गांव में, एक उस गांव में बुढ़िया रहती थी, उसके बेटे और बहू भी थे। वो बेचारी भगवान के भक्त करती भक्ति थी, शिष्य थी भोलेनाथ के। वो पहाड़ी पे जाती थी जल चढ़ाने, जल चढ़ाकर और उतर रही थी तो भगवान उसे देखे भोलेनाथ, तो कहने लगे, अरे सुनो हमको तुमसे कुछ कहना है। बूढ़ी माता कहती है, क्या बात है साधु बाबा, क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे, मेरे भगवान भूखे हैं, हम महादेव का भक्त हैं, मुझे महादेव का भोग लगाना है, मेरे पास 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम चावल है, कोई यदि अपना बर्तन में भोजन बना के दे दे तो हम अपने भगवान को भोजन करा देंगे। बुढ़िया कहती है, बाबा आप रुक जाइए, हम भोजन आपको बना देंगे भोग लगाने के लिए भगवान को, लेकिन सबसे पहले उतने ऊंचे पर्वत से हम आ रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, भोजन कर लेंगे, उसके बाद बना देंगे। बाबा कहने लगे, ठीक है जाके आराम कर लो। लेकिन गुरु भाई बहना, वो जो बुढ़िया थी वो घर के अंदर गई और अपने बहू से बोली, भोजन लाओ। जब बहू भोजन देने लगी तो बुढ़िया सोचती है, हम तो भोजन कर लेंगे लेकिन भगवान भोलेनाथ यदि भूखे रह जाएंगे तो साधु महात्मा भी भूखे रह जाएंगे, पहले उनका भोजन हम बना ही देंगे तो अच्छा रहेगा। वो बुढ़िया जो थी महात्मा जी के पास चली गई और कहने लगी, बाबा आपको कहाँ चावल है, लाइए हम बना देते हैं। बाबा कहने लगे, मेरा शर्त पहले सुन लो, मेरा शर्त में ये है कि भोजन बनाते समय अकेला ही बनाना है,
किसी को मदद से नहीं, तभी भोजन बनाना। बुढ़िया कहती है, बाबा खीर बनाने में क्या देरी। बुढ़िया एक छोटी सी बर्तन ले गई और ले जाकर बाबा को दी और बोली, बाबा हम बर्तन ले आए हैं। बाबा कहने लगे, अरे इतनी छोटी बर्तन लाई हो, इतनी छोटी में 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम चावल है, भला इतना छोटा बर्तन में कैसे अटेगा। बुढ़िया वहाँ से तमतमाई आ गई, गुस्से में बावले हो गई बुढ़िया और घर आई और कहती अपने बहू से, अरे जो सबसे बड़ा पीतल वाला है तसला वो दे दो। एक बूढ़े महात्मा है, वो कह रहे हैं बहुत बड़े तसला चाहिए मुझे, वो बर्तन दो जो सबसे बड़ा है। बहू ने निकाल कर दी और गुरु भाई बहना बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बाबा भोलेनाथ के पास लेकर चली गई, अनजान में ही सही, लेकिन भोलेनाथ के पास तो बैठ गई उसी बहाने। गुरु भाई बहना जब बुढ़िया बाबा से मांगी तो बाबा अपना गमछी में बांधे थे 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चावल, गमछी में लपेटे हुए थे, निकाल के दिए, बर्तन में बर्तन भर गया। बुढ़िया ने चूल्हे बनाई मिट्टी के, खोद के और जलामन लगाने लगी, खीर तो सीज गया, पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया बाबा जो थे, बाबा कहते हैं आते हैं स्नान करके, लेकिन बाबा स्नान कहाँ करने जाते, बाबा के तो जटा में खुद ही गंगा का धारा है, बाबा कहीं नहीं गए थे, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे और बुढ़िया की राज को देखना चाहते थे। क्या हुआ गुरु भाई बहन, जब बुढ़िया का खीर बन गया तो बुढ़िया ने खीर उतार ली और सोचती है कि पता नहीं मेरा खीर मीठा हुआ या नहीं। एक चावल मुंह में अपना डाल ली, खीर बहुत मस्त था, इसको लगा कि खीर तो हो गया, अब हम बाबा को आवाज़ देते हैं। बाबा बाबा चिल्लाने लगी, बाबा बोल दिए थे कि देखो बूढ़ी, जब तुम्हें मेरा ज़रूरत हो, खीर बन जाए तो आवाज़ दे देना, हम आवाज़ से आ जाएंगे। बाबा आकर कहते हैं कि अरे तूने तो मेरा खीर जूठा कर दिया। ये बुढ़िया कहती, नहीं बाबा हम खीर नहीं जुटाए हैं। बाबा कहते हैं, नहीं तूने तो खीर जुठा की हो। बुढ़िया बोली, बाबा थोड़ी सी चख के तो देखे हैं। अबे बाबा कहते हैं कि अरे तो जूठा खीर हम कैसे बांट सकते, बाबा को भोग लगाएंगे भगवान को, क्या तू व्रत करती हो तो पहले चक्कर देखती हो। वो बेचारी करने लगी, नहीं बाबा हम चख के तो नहीं देखते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा कहने लगे, तो तुम्हारा दंड यही है कि इसमें से सारी गांव को बांट दो जितना हो सके। तो बुढ़िया ने एक कठौती में निकाल के और गांव में बांटने लगी, बांटते 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 पूरा गांव में बुढ़िया बांट दी, फिर भी थोड़ा सा खीर बच गया। अब भगवान कहते हैं कि सारा गांव में तू तो बांट दी हो, लेकिन अपना ही घर में अपने बेटे बहू को नहीं दी हो, जाओ अपने बेटे और बहू को दे कर आओ, उसके बाद बनाना। बेचारी जो बुढ़िया थी, गुरु भाई बहना, बुढ़िया चली गई बेटे और बहू के पास खीर देने। बेटे बहू भी खीर लेकर बड़े धन हो गए, खुश हो गए। और बाबा ने क्या किया, बुढ़िया आई तो बुढ़िया ने सारी बर्तन धोई और फिर से दूसरा चूल्हा खोदी, बर्तन धोकर और बाबा से बोली, बाबा कहाँ खीर है, कहाँ कहाँ खीर का सामग्री है, कहाँ दूध है, कहाँ चीनी, कहाँ चावल। बाबा ने अपने ही हाथों से दे दिए और बोले, लो यही है बना दो। बेचारी जो बुढ़िया थी, गुरु भाई बहना, बनाने लगी, फिर से बर्तन भर गया।
बुढ़िया का बड़ा आश्चर्य हुआ। बर्तन तो भर गया। अब बुढ़िया कहती है बाबा से, बाबा हमने भोजन बना दिए, आप अपने महादेव का भोग लगा दीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो थे, भगवान अपना भोग लगा दिए और भोग लगाकर और जिम लिए। बुढ़िया को कहने लगे कि तूने मेरा भोजन बड़े मन से बनाई हो, मांगो तो कुछ वरदान, मांगना चाहती हो तो मांग लो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं खुशी से। बुढ़िया कहती है बाबा हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमें कुछ नहीं बरता वरदान चाहिए, बस भोलेनाथ का मुझे दर्शन चाहिए, क्या आप वो वरदान देंगे? बाबा कहने लगे बस इतनी सी छोटी वरदान, पहले खीर का भोजन कर लो और बेटे बहू को खिला दो, जितना लोग में बाकी है सबको दे दो। बुढ़िया ने सबको खीर खिलाई, उसको बेटे बहू सब खुश होकर खाए और बची खुची खीर बुढ़िया लेकर घर चली गई। बाबा के पास आई स्नान ध्यान करके, बाबा के बोली बाबा अब कहिए क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहने लगे ठीक है तुम्हें भोले बाबा का दर्शन चाहिए। बूढ़े बाबा जो थे बूढ़े मायावी ब्राह्मण के रूप में, वो क्या किए कि एक बहुत बढ़िया विशैला रूप महादेव का धर लिए अपना असली रूप, जिनका सर पे बड़े बड़े जटा, जटे में गंगा का धारा, लीलार पे दुज का चांद, कान में कुंडल, गले में सर्प का माला, हाथ में त्रिशूल डमरू, कमर में मिर्गा छाला, एक साइड में बबूत का थैली, बगल में बसहा बैल, पाँव में झुनकी खड़ा, संग में गौरी माता, गोद में गणपति ललना, सब वहाँ पे साथ ही साथ खड़ी हो गए। जब ये बुढ़िया देखी तो बड़ा चकित होकर और कहती है हे भगवान, हे प्रभु, यदि कुछ भी मुझसे गलती हुआ होगा तो आप क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस रूप में गांव में घूम रहे हैं। महाराज हमने तो आपके डांट के भी बोले, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोले हे बुढ़िया दूधो नहाओ पूतो फलो, तेरा पुत्र का लंबा आयु हो, युग युग जियो, तेरा स्वर्ग का प्राप्ति हो, जब भी तुम्हें मृत्यु होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और बुढ़िया कहती है भगवान हमें ही वरदान चाहते हैं, स्वर्ग का प्राप्ति हो गया नहीं वो नहीं पता, हमें ही चाहते हैं कि जब मेरा मृत्यु हो तो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश आकर मुझे कंधा लगा कर ले जाए, तब मेरा अर्थी उठे, आप वचन दीजिए। भोलेनाथ ने ऐसा वचन दे दिए। भोलेनाथ ने अंतर्ध्यान हो गए। गुरु भाई बहना समय बीतता गया, समय बीतता गया, बुढ़िया का आयु घटती गए, घटती रही घटती रही, आयु पूरा होने के बाद बुढ़िया का मृत्यु हो गया। अब बुढ़िया का मृत्यु हो गया तो बुढ़िया का आरती उठ ही नहीं रहा है, बुढ़िया का डोली का हार उठ ही नहीं रहा है। सारा लोग थक रहे हैं, हार रहे हैं, कह रहे हैं कि बुढ़िया पापी थी। गुरु भाई बहना जब बुढ़िया बोली कि बाबा आप तो मुझे वरदान दे दिए हैं, लेकिन आप जानेंगे कैसे कि मेरा मृत्यु हो गया है? बाबा ने एक घंटी दिए और बोले कि लो तुम्हारा मृत्यु होगा, तुम्हारा बहू बजा देगी, हम जान जाएंगे और तुम्हें कंधा देने के लिए आ जाएंगे। बुढ़िया ने घंटी दे दी अपने बहू को और बोली बता दी बहू से, गुरु भाई बहना जब बुढ़िया का मृत्यु हो गया तो सारा गांव के लोग हाय हाय छी छी थू थू कर रहे हैं,
बुढ़िया पापी थी, बुढ़िया का अर्थी नहीं उठ रहा है। कितना वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन बुढ़िया का अर्थी नहीं उठ रहा है। गुरु भाई बहना, जब लोगों ने कहा कि क्या बुढ़िया तुमसे कुछ कभी बोली थी, बहू कहती है हाँ, सासू माँ ने मुझे बताए थे कि जब मेरा मृत्यु होगा तो ये घंटी बजा देना। जाकर बहू ने घंटी बजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश खुद स्वयं आ गए नारद मुनि सहित कंधा देने के लिए। आ गए चारों एक भिखारी के रूप में, दरवाजे पर लग गए, खड़े हो गए। सारे लोग से पूछने लगे, भाई क्या है? सब लोग कहने लगे, अरे क्या कहूँ, एक बुढ़िया थी, कहती थी कि हम भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का पुजारी हैं, लेकिन इसका तो अर्थी उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन सा कर्म करती थी। चलो चारों मिलकर कहते हैं, अरे देखते हैं नहीं उठेगा कैसे बुढ़िया का अर्थी। एक कानी उंगली सटाए और कंधा पर ले लिए, कहते इसका अर्थी तो फूल का समान है, देखिए नहीं कैसे उठा। अब गुरु भाई बना मरण घाट लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मुनि पहुंच गए पीछे पीछे गांव का लोग। उनका डाक क्रम अग्नि संस्कार हो गया, और अग्नि संस्कार हो जाने के बाद सब लोग लौट गए। बुढ़िया का जीवन जो था शिव गुरु के साथ ही शिव लोक चले गए। बुढ़िया का प्राण शिव लोक चला गया, और बुढ़िया का शिव लोक में प्राप्ति हो गया। शिव लोक में जाकर रहने लगी, क्योंकि महादेव का वरदान था, महादेव ने उसे वरदान दिए थे, तो बुढ़िया का वरदान टलता कैसे। महादेव जब तक कंधा नहीं लगाए तब तक बुढ़िया का आरती नहीं उठा। बुढ़िया के कान में जाकर महादेव बोले, लो बुढ़िया कंधा लो, हम तुम्हें देने आए हैं कंधा, अपना खुशी खुशी तू कंधा ले लो, चारों जन मिल के दे रहे हैं। बुढ़िया ने कंधा लेकर खुश हो गई और अपना स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जब स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, सारा लोग देखने लगे, चकित हो गए कि अरे चार लोग आए और भा बुढ़िया का अर्थी उठ गया। मरण घाट पे भी उन लोग नहीं रहे, कहाँ चले गए, लेकिन मरण घाट पर कौन कौन से देखते। बुढ़िया तो अपना भगवान भोलेनाथ के चली साथ चल धर ली। तो गुरु भाई बना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, जैसा कर्तव्य करते हैं वैसा ही पाते हैं, अलग किन्हीं को किसी की तरह से नहीं मिलता है। तो गुरु भाई बना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।